फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू रीड एन रघुरमन एंड ही इज अ मैनेजमेंट गुरु। सफलता के लिए किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। इस शुक्रवार की सुबह में भारतीय अमेरिकी मूल की प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को सुन रहा था। उसे टाइम मैगजीन ने अभी तक की पहली किड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वह तकनीक का इस्तेमाल कर दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों पर आश्चर्यजनक काम के लिए जानी जाती है। बचपन से ही उसे किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाकर खुशी मिलती थी। यह उसका रोज का लक्ष्य था और जल्द ही यह इस काम में बदल गया कि जिस समाज में वह रह रही है वहाँ कैसे सकारात्मकता ला सकती है। मुझे सच में उसका आत्मविश्वास, विज्ञान के प्रति समर्पण और उसका यकीन कि तकनीक हम सभी के जीने के तरीके को बदल सकती है देखकर अच्छा लगा। इस छोटी बच्ची के शब्दों ने मुझे IISER पुणे में साइंस एक्टिविटी सेंटर सैक में शोधकर्ताओं के एक समूह की याद दिला दी जो छात्रों शिक्षकों को मजेदार ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से विज्ञान व गणित के मूल सिद्धांतों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस समूह ने MSCRT पुणे के सहयोग से राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए विज्ञान गणित के विभिन्न विषयों पर 10 एपिसोड बनाए। राज्य बोर्ड के कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्रों पर केंद्रित एक घंटे की ऑनलाइन कक्षा के एक सत्र में 15 से 20 गतिविधियां होती थी। किताबों के आधार पर तैयार की गई 10 एपिसोड की श्रृंखला में 200 गतिविधियां शामिल की गई थी ताकि बच्चे अवधारणाएं बेहतर समझ सके। महामारी से पहले सैक में अपने हाथों से की जा सकने वाली विविध गतिविधियों के लिए 60,000 छात्र और 15,000 शिक्षक आते थे, पर महामारी के बाद सैक ने हर शनिवार को अंग्रेजी और हिंदी में एक घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं कराने का निर्णय लिया जिसमें शुरुआती 40 मिनट में सिखाया जाता है और 20 मिनट का वैज्ञानिक से सवाल जवाब सत्र होता है। आज की स्थिति में इन वीडियोस को 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये छात्रों और शिक्षकों के बीच लोकप्रिय है। चूंकि प्रतिक्रिया काफी अच्छी थी ऐसे में वे सिर्फ गणित पर 5 और वीडियो बनाने की योजना कर रहे हैं। मैं खुद इस बात पर दृढ़ता से यकीन करता हूँ कि तकनीक का उपयोग सिर्फ समस्याएं हल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह जरूरी है कि इसका इस्तेमाल विभिन्न विषयों में जिज्ञासा रुचि करने के लिए भी किया जाए। उदाहरण के लिए वीडियो श्रृंखला वास्तु रुचि की कहानी। हम में से कई लोग अपने शहर में और उसके आसपास बने प्राचीन मंदिरों, प्रमुख बाजारों, आलीशान हवेलियों और किलों का समृद्ध इतिहास जाने बिना रोजाना इसके सामने से गुजरते हैं। शायद यही कारण है कि मुझे पुणे में रहने वाले दंपति किरण और अंजलि मदानी की यूट्यूब श्रृंखला वास्तु रुचि के जरिए इमारतों के पीछे की कहानियों को जीवंत करने का आइडिया पसंद आया। पहला एपिसोड चिचवण में पवना नदी के किनारे बसे मंदिर प्रगाण और मौर्या गोस्वामी की समाधि पर था जिसे काफी सराहा गया। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि महात्मा फुले मंडी कॉम्प्लेक्स पर आने वाला उनका अगला एपिसोड देखना और ज्यादा रुचिकर होगा क्योंकि इस व्यस्त थोक बाजार का स्वामित्व संचालन पुणे नगर निगम के हाथों में है। स्वाभाविक तौर पर मंडी के इर्द गिर्द ऐतिहासिक कहानी बुनना दिलचस्प होगा क्योंकि हर शहर में ऐसे छोटे बड़े बाजार होते हैं और हर एक के अस्तित्व की कहानी होती है। कुछ छात्रों की या कमजोर वर्ग की समस्याओं का समाधान निकाले, अपने शहर के भुला दिए गए इतिहास को खोद कर निकाले, लोगों को सशक्त बनाए ताकि वे तकनीक के माध्यम से उभरती हुई परिस्थितियों का सामना कर सके। सो फंडा यह है कि निसंदेह किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सफलता की ओर पहला कदम है। थैंक्स एंड ही इज एन रघुरमन।